गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन योर ऑनलाइन साइंस क्लास. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज माय बॉडी, एंड वी विल रीड फ्रॉम पेज नंबर 1. ओके. हाँ जी बेटा, देखिए ये आपकी बुक का नेम है, माय लिविंग वर्ल्ड. हम बेटा आज फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर का नेम है माय बॉडी. ओके. आवर बॉडी इज अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर, कि हमारी जो बॉडी है ये वंडरफुल गिफ्ट है नेचर का. इट हैज़ मैनी पार्ट्स, और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं. दीज हेल्प अस इन मैनी वेज, और ये हमें अलग अलग तरीकों से हेल्प करते हैं. We have already studied about some of these in class second. और इनके बारे में हमने class second में already पढ़ा हुआ है. Let us do a quick check on what we already know. ठीक है, ये बेटा आपकी previous knowledge जो है उसकी checking अब हम जो है इस figure की help से करेंगे. ठीक है, कि आपने सेकेंड क्लास में कौन कौन से जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके बारे में रीड किया हुआ है. ठीक है, लेवल द पार्ट्स इन द फिगर गिवन बिलो, कि एक फिगर बनी हुई है, एक बॉय की पिक्चर बनी हुई है. आपने इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं इनको लेबल करना है. ठीक है, तो ये बेटा आपका होमवर्क है, इसको आपने अपने आप करना है. कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2. सेंस ऑर्गन्स, लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. हाँ जी बेटा, यू हैव ऑलरेडी नो दैट वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, कि हमारे कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5. अब हमने एग्जाम्पल की हेल्प से उनके बारे में पढ़ना है. ठीक है, आपकी बुक के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, देखिए. ठीक है, नेहा's elder sister has prepared a nice dish, कि नेहा की जो सिस्टर है वो एक बहुत अच्छी डिश बनाती है. प्रिपेयर्ड होता है बेटा बनाना. नेहा puts a spoon full of it in her mouth and says, oh, there is no salt in it. कि नेहा क्या करती है, एक स्पून जो है वो भरती है उस डिश का और अपने मुंह में डालती है और कहती है कि देयर इज़ नो सॉल्ट इन इट, कि इसमें तो नमक नहीं है. ठीक है, अब जो नमक का जो टेस्ट है कि उस डिश में नमक नहीं है, उसका किससे पता चला बेटा? टंग से. तो टंग जो है वो हमें किस में हेल्प करती है? टेस्ट में. तो टंग इज़ अ फर्स्ट सेंस ऑर्गन. ठीक है, नेक्स्ट आइए बेटा. राहुल टचिज ए ब्लॉक ऑफ आइस एंड इमीडिएटली ड्रॉज हिज फिंगर अवे. ही सेज इट इज़ वेरी कोल्ड, कि राहुल जो है वो आइस के जो ब्लॉक हैं उनको टच करता है और एकदम से अपने हाथ से गिरा देता है. ठीक है, और कहता है इट इज़ वेरी कोल्ड, ये बहुत ठंडी है. ठीक है, देखिए बेटा पिक्चर में दिखाया है किस तरह से ये आइस बॉक्स को टच कर रहा है. तो आइस जो है ठंडी है, इसकी जो फीलिंग है किसकी हेल्प से पता चलती है? स्किन से. तो स्किन जो है किस में हमारी हेल्प करती है? फील के लिए, कि चीज़ें ठंडी हैं, गर्म हैं, स्मूथ हैं, रफ हैं, इसके बारे में स्किन से हमें पता चलता है. ठीक है, तो स्किन इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन. नेक्स्ट आइए, देयर इज ए बैंड प्लेइंग वेरी लाउड म्यूजिक इन द नेबरहुड पार्क, कि एक बैंड है वो नेबरहुड का जो पार्क है, नेबरहुड होता है बेटा पड़ोस में. ठीक है, कि वहाँ पे एक पार्क है, वहाँ से बहुत ज़्यादा जो है लाउड म्यूजिक की आवाज़ आ रही है. ठीक है, बहुत तेज़ म्यूजिक वहाँ से चल रहा है. सोनम पुट्स हर हैंड्स ऑन हर ईयर्स एंड सेज दे आर मेकिंग ए लाउड नॉइस. सोनम जो है वो अपने ईयर्स के ऊपर अपने हैंड्स रखती है और कहती है कि यहाँ से बहुत जो लाउड म्यूज़िक है या आवाज़ है
वो आ रही है, ठीक है। जो साउंड्स की आवाज़ है वो किससे सुनाई दे रही है, ईयर से, ठीक है। तो ईयर जो हैं वो किसका काम कर रहे हैं, सुनने का। तो ईयर जो है वो भी क्या है बेटा, आपका सेंस ऑर्गन, ठीक है बेटा। आज हम यहीं तक रीड करेंगे, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है आपका, होमवर्क। होमवर्क में आपने देखो क्या करना है, जो आज हमने 2 पेज रीड किए हैं, 1 और 2, उनको रीड भी करना है। और जो पेज नंबर 1 पे फिलअप्स हैं या बॉडी पार्ट्स के जो नेम हैं उनको कंप्लीट करना है, और साथ में अपनी जो फेयर नोटबुक है उसके ऊपर 10 बॉडी पार्ट्स नेम जो हैं राइट डाउन करने हैं। इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू।